बुलंदशहर मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, जमकर चले धारदार हथियार एवं कुल्हाड़ी। एक पक्ष के युवक पर कुल्हाड़ी से किया सीने पर हमला, हमले के दौरान युवक लहूलुहान, हालत गंभीर। घायल युवक को पुलिस ने नजदीकी सीएससी में कराया भर्ती। युवक की हालत गंभीर देखते हुए हायर मेडिकल सेंटर किया रेफा। मौके पर कई थानों का पुलिस फोर्स मौजूद, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र की घटना, प्रथम टीवी न्यूज इंडिया जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। क्या घटना हुई है? मारपीट बंदारी कर रही है, मार पे मारे पूरी तरह। कौन है ये जो आप? मेरे पति हैं। किसने मारे? आदित्य राघव ने। बंदेल को किस गांव का मामला है? ये किस थाने में पड़ता है? ये सर आपके यहाँ ये घायल व्यक्ति आया हुआ है जी, किस तरह की हालत है उसकी? हाँ, जो अभी हमारे पास घायल व्यक्ति आया हुआ है उसमें अच्छी हालत, जब हम आए थे बेहोश था और जिसको जो हमने इंजेक्शन और दवाई द्वारा देखो उसको स्टेबल कर दिया है, और उसकी हालत को देखते हुए हम उसको जिला अस्पताल गए। गांव में चंदा डाल के जब ठीक करवाए और अभियान बिल्कुल ही मौत कर दे। बिल्कुल एक साल पहले बीमार हुए थे, पचने की कोई हालत न थी पूरे गांव में। पूरा गाँव सभी को बता, सभी औरतों के साथ बता नहीं करता, कोई हस्बैंड सहन कर लेगा अपनी औरतों के बारे में? सब बता नहीं। क्या घटना हुई है? मारपीट हुई थी। कौन है ये? कोई किसी देखता नहीं है। कौन है ये? चाचा। अच्छा, किससे मारपीट हुई है? राजेश राघव। कहाँ के रहने वाले? सकोरा महाराज के। अच्छा, पुलिस ने कार्रवाई की है? कोई अभी मारपीट बताओ सवेरे निकल के जाते हैं तो ये बोलता है, और लड़कियां और औरतें इस मामले की हीट हो रही है, बताओ ये बोलने की तमीज है क्या? कौन भाई या चाचा है, बाप है, कोई भी कौन कोई सुन लेगा क्या? किसी किसी को गुस्सा ना आएगी। पूरा कमी से खिलाफ है, क्यों है? जज में कोई कमी है? जज तो खिलाफ है इसके। गांव के पुलिस वालों ने, सब पुलिस वालों के सामने सभी ने कहा पूरी औरतों ने, कोई इतनी दूर कोई भी आ तो नहीं सकता, लेकिन कह सभी सकते हैं। अब आपके चाचा की हालत कैसी बनी हुई है? बहुत बुरी हालत बनी हुई है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? क्या घटना हुई है? झगड़ा हुआ है। किसने? राजेश ने। अच्छा, तो किस तरह की हालत है अब आपके भाई की? हालत तो बहुत खराब है, पूरा कटा हुआ है। अच्छा, थाने में तहरीर दिया है तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।